जो सीना तान के तू चल दे। उठता है सर अपना जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना।
अरमानों की कीमत कुछ भी Oh,
हेलो आठ बजे है बोलना चालू सीना दाने हंस
विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित आप सभी अतिथि गणों का सादर अभिनंदन। हमारे आज के मुख्य अतिथि सुमया विश्वविद्यालय विद्या बिहार के कुलाधिपति सह सुमया ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीयुत समीर भाई सुमया अपने प्रांगण में पधार चुके हैं। अतः आप सभी महोदय एवं दर्शक गणों से अनुरोध है कि आप महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें। तिरंगा सिर्फ आन या शान नहीं है, हम भारतीयों की जान है। आज आजादी के 76 वर्ष पूरे हुए हैं और लोक कल्याण की गौरवशाली गाथा नई ऊंचाइयों को छू रही है। सुमया विश्वविद्यालय विद्या विहार की ओर से कुलाधिपति श्री समीर भाई सुमया विश्वविद्यालय प्रांगण की प्राचीर से 77वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। वे यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और ध्वजारोहण के बाद कुलाधिपति विश्वविद्यालय को संबोधित करेंगे। आज से 76 वर्ष पहले वह सुबह भारत में आई थी जिसके लिए भारतवासियों ने सपना देखा था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तब से आने वाली हर 15 अगस्त की सुबह में आज़ाद की भावना की वो महक होती है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। आज 15 अगस्त 2023 की सुबह आज़ादी के सुनहरे महोत्सव की सुबह है। साल दर साल एक एक कदम शानदार और यादगार। भारत ने इन तमाम वर्षों में एक देश के तौर पर जो हासिल किया है वो आश्चर्य से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक शानदार देश है। संभावनाएं जहां संकल्प बनती है और सिद्ध हो जाती है। लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है हमने ये करके दिखाया है। देश जब आज़ाद हुआ तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तब से लेकर अब तक भारत की यात्रा कई मायने में हैरान करने वाली है। पिछले कई वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए गए उपायों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं। स्वतंत्रता दिवस का हम सभी भारतीयों के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह आज़ादी हमें 200 वर्षों की यातना एवं उत्पीड़न, युद्ध और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से कड़ी मेहनत करने के बाद हासिल हुई थी। यह आज़ादी भारतीय लोकतंत्र का जश्न है। यह भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। दशकों के अथक संघर्ष और बलिदान से सजी स्वतंत्रता की यात्रा अत्यधिक कठिन थी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे अनेकों नेताओं और सेनानियों की मेहनत और बलिदान को हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया था। राष्ट्र का उत्थान शिक्षा के माध्यम से हो, इसलिए पूज्य पद्म भूषण कर्मशी भाई जेठा भाई सुमैया ने सुमैया विद्या विहार संरचना की नींव सन 1959 में रखी थी। सामाजिक एवं व्यावसायिक बुद्धिमत्ता से संपन्न पद्मभूषण कर्मसी भाई ने 1953 में सुमैया ट्रस्ट की स्थापना की ताकि वे
इसके माध्यम से राष्ट्र के सपनों को, शिक्षा के माध्यम से देश के युवाओं को नई आकार दे सके। उक्तम सुकृत बीजम ही सुक्षेत्रेषु महाफलम, अर्थात सही स्थान पर बोया गया सुकर्म का बीज ही महान फल देता है। सिर्फ 5 दशकों में उनके द्वारा डाली गई यह बीज आज एक वट वृक्ष के रूप में संपूर्ण राष्ट्र की सेवा कर रहा है और एक बड़े शिक्षण संस्थान में तब्दील हो गया है, जिसमें 34 अलग अलग संस्थान शामिल है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, विज्ञान और संचार के विभिन्न क्षेत्रों की सेवा कर रहे वर्तमान में 39,000 से अधिक छात्रों और 3,000 से अधिक शिक्षकों और इतर कर्मचारियों के साथ संस्थान राष्ट्र की सेवा कर रहा है। 9 मानुषात परो धर्म, अर्थात मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसी विचारधारा से आदरणीय पद्म भूषण कर्मशी भाई जेठा भाई सोमैया अत्यधिक प्रभावित थे। इन्हीं विचारधारा से प्रेरित उनके पौत्र और वर्तमान में सोमैया विश्वविद्यालय विद्या विहार के कुलाधिपति श्रीयुत समीर भाई सोमैया निरंतर विश्वविद्यालय को नई दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए अग्रसर है। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रतिष्ठित प्रोग्रामों के माध्यम से उच्च शिक्षा का मानक ऊंचा किया है। यहाँ प्रदान की जाने वाली शिक्षा छात्रों को नवाचारी और अनुशासित विचारधारा प्रदान करती है, जिससे वे न केवल तकनीकी ज्ञान हासिल करते हैं बल्कि समाज में उनके अनेक सामाजिक और आदर्शित नागरिक के रूप में विकसित होने में मदद करते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कुलाधिपति महोदय श्रीयुत समीर भाई सोमैया से आग्रह करूंगा कि वे ध्वजारोहण के लिए ध्वज स्तंभ की तरफ अग्रसर हो। श्रीयुत समीर भाई सोमैया। जय श्रीमान श्रीमान 6 महाराष्ट्र बटालियन 1 महाराष्ट्र बटालियन परेड पथ पर हजरत। जय श्रीमान।
आज सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय अपने सारे पूर्व एनसीसी कैडेट्स, भारतीय सेना में तैनात सभी जवानों को एवं अपने पूर्व एनसीसी कैडेट्स शहीद लांस नायक विजय कोकरे को नमन कर रहा है। शहीद लांस नायक विजय कोकरे केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स के पूर्व छात्र एवं एनसीसी कैडेट्स थे। वे 10 मार्च 2017 को भारतीय सेना में पदस्थापित हुए। उनका चयन भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस अर्थात एएडी में हुआ था, जिनका मूल कार्य भारतीय हवाई क्षेत्रों को सुरक्षित रखना होता है। अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग गोपालपुर उड़ीसा में हुई थी, जहां वे 2020 तक कार्यरत रहे। तदुपरांत उन्होंने 2020 से 2022 तक राष्ट्रीय राइफल के 25वीं यूनिट में अपनी सेवा दी, जो जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए राष्ट्र की सेवा करता है। वे अपने गृह यूनिट 28 एयर डिफेंस में सेवा करते समय अपने असाधारण नेतृत्व क्षमता, अतुलनीय पराक्रम एवं अनुकरणीय संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज राष्ट्र और सोमैया विद्या विहार परिवार अपने वीर नायक को याद करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। अब मैं शहीदों की याद में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोनों में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगा से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगा से खूबसूरत कोई तफन नहीं होता। इस देश के गौरव के खातिर चले कुछ ऐसा करें, इस देश के गौरव के खातिर चले कुछ ऐसा करें, दुनिया देखे इसकी शान, दुनिया देखे इसकी शान और दुनिया वाले सलाम करें। अब मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहार वाजपेयी की कुछ पंक्तियां दोहराऊंगा, जो उन्होंने मातृभूमि के लिए लिखा था। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तड़पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर कोई कान लगाकर हमारी अस्थियों को सुनेगा तो आवाज आएगी भारत माता की जय, भारत माता की जय।
वासवी का महत्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका संबंध भगवान कृष्ण के साथ साथ आध्यात्मिक संवाद के उपकरण के रूप में भी होता है। भगवान कृष्ण के बांसुरी बजाने की कथाएं हम सभी को बचपन से घरों में सुनाई जाती है। तो आज के कार्यक्रम के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं KJ सुमया साइंस एंड कॉमर्स के छात्रों को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दे। उनका थीम है बांसुरी और अध्यात्म।
अद्भुत, अविश्वसनीय, उत्कृष्ट, अलौकिक, आपकी सुंदर सी प्रस्तुतिकरण के लिए अभिनंदन एवं आभार। अब आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एसके सुमैया विनय मंदिर प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना प्रस्तुतिकरण दे। उनका थीम है स्वदेशी एवं पर्यावरण संवर्धन। अब मैं एसके सुमैया विनय मंदिर प्राथमिक गुजराती विभाग की शिक्षिका श्रीमती चेतना अनम महोदया से अनुरोध करता हूँ कि वे बच्चों की प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करें। श्रीमती चेतना अनम महोदया। सुप्रभात, आप सभी को स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामना। आज हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्र भारत की कुछ अपनी समस्याएं भी हैं, जिसका निराकरण भी हम सभी को करना है। उनमें से एक है प्लास्टिक की समस्या। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी में मिश्रित नहीं होता है। हजारों वर्षों तक वो जमीन पर और समुद्र तल में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीथीन बैग के बजाय कपड़ों की थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमारे प्राथमिक विभाग के बच्चे प्लास्टिक पर एक गीत पेश कर रहे हैं, जिसके बोल है छोड़ो प्लास्टिक थैली। स्वतंत्रता दिवस पर जब आप इतनी सुंदरता से गाते हैं और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को बताया, तो मानो ऐसा लगा कि आप देश के पर्यावरण के सच्चे सिपाही हो। आपको एक बार दिल से नमन, जय हिंद। अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस क्षण का हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो पल आ ही गया। मैं आज के मुख्य अतिथि सुमैया विश्वविद्यालय विद्या विहार के कुलाधिपति सह सुमैया ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीयुत समीर भाई सुमैया से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबका विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करें। श्री समीर भाई सुमैया।
आज आपको आपका यहाँ पे स्वागत है। बांसुरी के माध्यम से हमने एक बहुत ही सुंदर गाना सुना, कुछ याद उन्हें एक भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और आज सुबह ही हमारे लैंस नायक की बात हुई जो लौट के घर ना आए। फिराक गोरखपुरी के बोलों में, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। आज लांस नायक के जिक्र से ये शहीदों का रंग हमारे लिए एक बहुत ही स्पर्श करने वाला रंग है, और हमें याद करना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी और आज भी आज़ादी को कायम रखने के लिए जान दे रहे हैं। आज हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं स्तर पर है, और कहते हैं, अनुमान है कि 2027 तक तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगी। हमारे देश में काफ़ी पहल हैं जो हमारे देश को आगे ले जा रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% से बढ़ रही है, और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में और बड़े लोकतंत्रों में ये सबसे तेज़ रफ्तार की बढ़ रही हमारी यह अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को हमें सबको आगे साथ में लेना होगा। कबीर का कहना है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। लेकिन हमारे ये जो बर्तन हैं, हम इनकी कई सारी उपाधियां हैं, नाम हैं, शायद हम लोग अलग अलग राज्यों से हैं, अलग ज़बान बोलते हैं, धर्म अलग हैं, हम शहर अलग होगा, गांव अलग होगा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई पुरुष कोई महिला, कोई निर्बल कोई बलवान, कोई दिव्यांग कोई तंदुरुस्त, लेकिन हमें इन सब को साथ ले जाना होगा। देश बढ़े तो हम साथ बढ़ें। बच्चों ने कहा ये सोच सयानी, हमें सबको सयानी सोच चाहिए, हमें चलना है साथ साथ। शुरुआत में दादाजी का जिक्र हुआ कि इन्होंने विद्या विहार का जो बीज रखा, उन्होंने इस कारण से रखा कि यहाँ में जो बच्चे तैयार हों वो आदर्श नागरिक हों, वो देश की सेवा में लगें, समाज की सेवा में लगें, संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इस देश को और इस विश्व को समृद्ध बनाएं और सबके लिए अच्छा बनाएं। हमारे सबके सपने एक रंग हैं, कि उसी रंग जो हमने कहा लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में हमारा नाम है आज़ादी, तो इसी हम एक सपने को देखते हुए और इसको साकार करने के लिए हम आगे बढ़ें। मैं ऋग्वेद का एक श्लोक से अपनी बात पूरा करता हूँ कि समानी व आकूति ही समाना हृदयान व समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासते। हम सब एक साथ सोचें, हमारे हृदय एक हों, हमारे मन एक हो, हमारे लक्ष्य एक हों, और साथ ही साथ इस देश को बहुत ही अच्छा और सुहावना करें। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। महोदय आपका धन्यवाद आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए। अब मैं सोमैया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीयुत समीर भाई सोमैया से एक बार दोबारा आग्रह करूंगा कि वो एनसीसी कैडेट को एनसीसी के ध्येय वाक्यों की शपथ दिलाए। श्रीयुत समीर भाई सोमैया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करूंगा तथा एनसीसी नियमों का
और अधिनियमों का पालन करूंगा। मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार पूरी योग्यता के साथ हर कैंप और परेड में सम्मिलित रहूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान गणेश जी की वंदना हमारे आध्यात्मिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमें भाग्य के बाधाओं से बचाते हैं और सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। तो इसलिए आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं केजे समया साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुतिकरण दे। उनका थीम है भगवान गणेश वंदना। आपकी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। भगवान गणेश हम सबको रिष्ट पुष्ट
और दुरुस्त रखे। ओम गंगनपते नमः। ओम विघ्न विनाशक वरद मूर्तये संकट मोचन गंगनपते नमः। अब आज के कार्यक्रम के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमया स्कूल के बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को अपने सुरों के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। उनके गीत के थीम है विविधता में एकता एवं राष्ट्र प्रेम। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं, स्वंग में हमारे लिए मान और अभिमान देश प्रेम में समेटे हैं। इसे आज़ादी की लड़ाई के लिए गाया गया एक और गौरव बढ़ाता हुआ देश की मिट्टी से हमारे लिए प्रेरित करते हैं। प्रेम और उत्साह का संचार वंदे मातरम कर रहा है। विश्वविद्यालय की ध्वजा स्तंभ पर प्यार से लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा आज स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए हम सभी देश भक्तों को उनके योगदान और बलिदान की याद दिला रहा है। आज उस विभूति को देश याद कर रहा है जिनके प्रयासों से आज़ादी की लड़ाई को बल मिला और आखिरकार हम आज़ाद हुए। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं या वे गुमनाम से रह गए, आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सादर नमन। तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा। दर्द की आहट सुनी लो आ गया सब छोड़ के, आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के सब छोड़ के। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पूछ रहे जो तेरे कद से राधे तो ये फलक मगरू लिया हमने सूरज सजला है सपनों को दो परवाज अगर की तमन्ना है खा लिया हमने सूरज सजलना है सपनों को दो परवाज अगर उड़ने की तमन्ना है। ओ, 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 ओ
तेरे आगे दिखेगा मजबूर। अतुल्य अविश्वसनीय अस्मरणीय अविस्मरणीय आप सभी के द्वारा गाया गया गीत अभी हम सबके दिलों में गूंज रहा है। धन्यवाद बच्चों। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृत भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत और भावना का एक अद्वितीय संगम है जिसमें गतिमानता सौंदर्य और आध्यात्मिकता की एक अनूप संवादना है जो आज के कार्यक्रम के श्रृंखला में अब मैं केजे सोमैया साइंस एंड कॉमर्स के छात्रों को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दे। उनका थीम है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। उसे देखकर नजरें एकदम से थम जाती है, कभी ना रुकने की हिम्मत आती है, सिर गर्व से ऊंचा होकर कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है, ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भर भर मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, ऐ वतन 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 ऐ मां
उम्मीद हमें सारी ऊंचाइयां छूने की ताकत देती है। इसीलिए तो कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण का समावेश है। आपने संगीत, ताल और गति के रूपांतरण का अद्वितीय समावेश किया। धन्यवाद। दोस्तों, भारत की भूमि को आशीर्वाद प्राप्त है। जमीन, जंगल, पहाड़, प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य, संस्कृति, खान पान, विविधता, सब कुछ भरपूर है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में अनूठे हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर का राज्य हो या उत्तर, दक्षिण या पश्चिम। असाधारण इतिहास या संस्कृति और विविधता की वजह से अनोखे हैं और विशेष भी। हर जगह की अपनी खासियत है जो सभी को लुभाती है। हर राज्य, हर प्रदेश जीवन के अनुभवों को समृद्ध करने वाले हैं। ये सब मिलके भरते हैं भारत के गौरव में शानदार रंग। तो आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत की विविधता को प्रेजेंट करने के लिए केजे सोमैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्रों को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दें। उनका थीम है भारतीय राज्यों की विविधता। Oh, my God.
की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोंकने वाली दग 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 सांसे जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोह तू रंग दे पसंदी यारा मोह तू रंग दे पसंदी सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है इस हाल में भी इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता प्यारे बच्चों भारतीय राज्यों की विविधता को एकता के साथ दिखाने वाली आपकी सुंदर सी प्रस्तुतिकरण ने वाकई में हम सबको सम्मोहित कर दिया आपका हृदय से धन्यवाद अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर बुलाना चाहूँगा उन महानुभावों को जो अपने जीवन में सुरों को पिराया है अब मैं एसके सोमैया आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज एवं उनका समर्थन दे रहे हैं माया सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इनका थीम है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति भारतवासी लिखते हैं आज नया इतिहास
हम भारतवासी लिखते हैं आज नया इतिहास। शस्य श्यामला धरती अपनी निर्मल नीलाकाश, शस्य श्यामला धरती अपनी निर्मल नीलाकाश। हम भारतवासी लिखते हैं आज नया इतिहास, हम भारतवासी। चट्टानों से टकराए, तूफानों से लड़ जाए, चट्टानों से टकराए, तूफानों से लड़ जाए, राह बनाए अंधियारे में हम मशाल बन जाए, राह बनाए अंधियारे में हम मशाल बन जाए। सागर को हमने बांधा है, सागर को हमने बांधा है, साक्षी है इतिहास। शस्य श्यामला धरती अपनी निर्मल नीलाकाश, शस्य श्यामला धरती अपनी निर्मल नीलाकाश। हम भारतवासी लिखते हैं आज नया इतिहास, हम भारतवासी। घर घर दिवाली होगी, हर चेहरे पे खुशहाली, घर घर दिवाली होगी, हर चेहरे पे खुशहाली। कभी न मरने देंगे छाया काली, कभी न पड़ने देंगे इस पे छाया काली। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही अटल विश्वास। शस्य श्यामला धरती अपनी निर्मल नीलाकाश, शस्य श्यामला धरती अपनी निर्मल नीलाकाश। उत्कृष्ट, अलौकिक, वंदनीय, आपकी सुंदर सी प्रस्तुतिकरण के लिए अभिनंदन एवं आभार। अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बैंड संगीत की ऐसी भावना है जो दिलों को छू जाती है। मानव जीवन में संगीत का एक अलग ही महत्व है। तो आज के कार्यक्रम के श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मौज टीम के छात्रों को, जो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दे। केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।
साजन फूल गुलाब रो साजन फूल गुलाब रो केसरिया खेली होली तेरे संग थी दिवाली तेरे अंगनों की छाया तेरे संग सावन आया तेरे तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले लौट के तू आएगा ले शर्त लगा ले जो तेरा रंग थम दो जो तेरा रंग थम दो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था बोला तू ही बोला मेरे मेरे मेरी जा जाके हमने सर पर ये केसरी रंग सजाया है सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही मा तुझे सला
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। डियर टीम मौज, आपकी बेहतरीन प्रदर्शन से हम सबका मन प्रफुल्लित हो उठा है। अब आप सभी ने हम सबों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं योग कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन और आत्मा को समृद्धि की ओर एक अद्वितीय मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज के कार्यक्रम के श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए मैं एसके सोमैया विनय मंदिर सीनियर स्कूल और जूनियर कॉलेज के छात्र एवं उनका साथ दे रहे श्रीमती एसके सोमैया डीएड एलडी जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्र, आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दें। इनका थीम है भारतीय संस्कृति और योग। अब मैं श्री डॉक्टर प्रकाश सोनी महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप योग संचालन शुरू करें। श्री डॉक्टर प्रकाश सोनी। सर्वभ्यो स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दय शुभकामना। आइए हम थोड़ा स्वतंत्र होते हैं, थोड़ा स्वस्थ होते हैं, तन से मन से भाव से विचारों से। सोमैया जैसी उर्वर भूमि में जहाँ पर पद्म भूषण करमसी भाई सोमैया जी ने, डॉक्टर शांति भाई सोमैया जी ने, उनकी बहनें यहाँ बैठी लीला बहन, आदरणीय समीर भाई, ये सारे एक योगी की तरह है। और क्यों न हम योग को अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें और अपना तन मन भाव विचार हम शुद्ध करें, परिष्कृत करें। विद्यार्थी आपके सामने योग की प्रस्तुति दे रहे हैं। ये योग की प्रस्तुति सिर्फ यहाँ की प्रस्तुति नहीं है, हमें नियमित रूप से हमारे दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में हमें उनको सम्मिलित करना है। आप देख रहे हैं सोमैया विनय मंदिर की शिक्षिका श्रीमती प्रज्ञा, श्रीमती आरती, श्रीमती सोनी प्राणायाम मुद्रा आसन की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके साथ में राज्य स्तर पर योग को प्रस्तुत करने वाले आदर्श भी है, जिसने DSO भी जीता है। सरल और कठिन आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को और अधिक स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं। कहते हैं कि ना हम सपी से निकलेगा ना हम सफर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का काटा तुम्हें से निकलेगा। ये प्रस्तुति जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें स्वयं उसका अनुभव होगा। स्वयं जब अनुभव होगा तो हम स्वतंत्रता को और अधिक आनंद के साथ जी सकते हैं, आनंद के साथ और अधिक अनुभूति हम ले सकते हैं। तो जैसा आपका शरीर माने उस तरह की प्रस्तुति आप दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कुछ बच्चे सरल आसन में जा रहे हैं, कुछ कठिन आसन में जा रहे हैं। जैसा आपका शरीर है, जिस प्रकार आपका शरीर मानता हो, आयु उम्र, उस हिसाब से आप अपना अनुभव करते जाना है और अनुभव को, प्रयोग को हमें लाइफ में, जीवन में उतारते हुए हमें आगे बढ़ना है। श्री एस के सोमैया विनय मंदिर के विद्यार्थी विभिन्न योग आसनों के द्वारा कुछ प्रस्तुति दे रहे हैं। कठिन आसन है, सरल भी है। वैसे आसन करना बहुत ही आसान होता है परंतु उसका अभ्यास हम करते नहीं हैं। कहते हैं कि आजकल हम सेल्फी ज़्यादा लेते हैं, सांसें कम लेते हैं। यदि सांस लेने का सही तरीका, सही अभ्यास हमारे अंदर हो तो सेल्फी ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। तो हमारी सेल्फी अच्छी आए उसके लिए कुछ अभ्यास आप करते रहिए, अभ्यास को आगे बढ़ाते रहिए। अभी डीएड के विद्यार्थी आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। डीएड के विद्यार्थी प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ता अभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभव। यदि उसको हम अच्छी तरह से उपयोग में नहीं लाएं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी संभव नहीं है। डीएड के विद्यार्थी ये वो आसन की प्रस्तुति दे रहे हैं जो सामान्य आयु वर्ग वाले, जिनका शरीर कठिन है, सरल नहीं है, उम्र हो गई है, उनको अभ्यास करना हो तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, पाद हस्तासन, इनका अभ्यास कर सकते हैं। जिनका हर उम्र में स्वस्थ रहना है वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं।
नटराज आसन का अभ्यास कर सकते हैं, गरुड़ आसन का अभ्यास कर सकते हैं, महावीर आसन का अभ्यास कर सकते हैं, त्रिकोण आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर के तीनों भाग, ऊपर का भाग, मध्यम भाग और नीचे का भाग, तीनों तरह से हमारा शरीर हर तरह से संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, लचीला रहे। जितना हमारा शरीर शिथिल होगा, विचार भी हमारे उतने ही पवित्र आएंगे। देख रहे हैं बैठकर कुछ आसन है जिनको करने से हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। हमारा पीठ, कमर, गर्दन हमारी सीधी रहती है। आज सोशल मीडिया का माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम में हमारा गर्दन, पीठ और हाथों में बहुत सारा दर्द होता है। इन अभ्यासों के द्वारा आप अपने पीठ को, अपने गर्दन को, अपने हाथों को, अपने पेट को, अपनी आवाज़ को, अपनी आँखों को, अपने चेहरे को और सुंदर और सौंदर्य बना सकते हैं। आप सब ने इन चीज़ों को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महोदय, भारतीय योग की प्रस्तुतिकरण में आप सबने न केवल आसनों को अद्वितीय रूप से प्रस्तुत किया, बल्कि आपने योग के माध्यम से शांति, स्वास्थ्य और आत्मा की महत्वपूर्णता को प्रकट किया है। धन्यवाद महोदय आप सभी का। अब मैं कार्यक्रम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एनसीसी के कैडेट से अनुरोध करता हूँ कि वे एनसीसी गान की शुरुआत करें। एनसीसी कैडेट्स, हाँ।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुमैया विश्वविद्यालय विद्या विहार के जनरल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल जगवीर सिंह महोदय आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आज 77वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने वक्तव्य दें और विश्वविद्यालय का संबोधन करें। श्रीयुत लेफ्टिनेंट जनरल जगवीर सिंह। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सुन चुके हैं, 76 वर्ष पहले हमको आज़ादी मिली थी और आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ है, ये सभी बच्चों ने इतना फर्स्ट क्लास कार्यक्रम दिखाया है कि इसको देख के सब हमारी तो आंखें नम हो जाती हैं जब याद करते हैं देश प्रेम को। और जैसे जो देश प्रेम है वो सिखलाया नहीं जाता, वो अंदर से आना चाहिए। और हम बोलते हैं जो तिरंगा है, वी से द ट्राइकलर फ्लटर्स नॉट बिकॉज ऑफ द विंड बट बिकॉज ऑफ द ब्रेथ ऑफ एवरी सोल्जर हु लेड डाउन हिज लाइफ प्रोटेक्टिंग इट्स ऑनर। सो हमको आज़ादी बहुत परिश्रम के बाद, खून पसीना बहाने के बाद मिली और आज 76 साल बाद हमारा फर्ज बनता है कि इसको हम आगे और बढ़ाएं। हमारे बीच में हमारी भिन्नता, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, सुमैया भाई, समीर भाई ने बताया कि हमारी भिन्नता में ही हमारी ताकत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ आर स्ट्रेंथ एंड वी मस्ट इंश्योर दैट देर इज़ नो एक्सटर्नल ताकत और एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे बीच में फूट डाल सके। बहुत सारी ताकतें हैं जो देखती हैं कि आज भारत उस चरण पे पहुंचा है जबकि हम आगे बढ़ने को बिल्कुल, दुनिया में अपनी जगह कायम करने में बिल्कुल भरपूर हैं और तैयार हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोगों की जोश, पसीना, खून, जैसे मैं बोल रहा था, लगा है। पिछले 76 साल में नहीं, उससे पहले से लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और आज हम उस स्टेज पर, हम टेक ऑफ स्टेज के ऊपर हैं और हम दुनिया के सबसे वोलेटाइल हिस्सा में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी दुश्मनियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब कोई भी देश तरक्की करता है उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। हमें इस चीज़ से सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी हमारे बीच में फूट ना डाल सके। और ये जो हम विद्या विहार है, आप इसके जो छात्र हैं, आप इस देश का भविष्य हैं। और जब मैं आप लोग को देखता हूँ तो खूब तसल्ली होती है कि हमारा देश अच्छे हाथों में है, क्योंकि आप लोग का जोश और आप लोगों के जो आप लोग कार्य करते हैं उसको सबको देखते हुए पूरा यकीन है कि अगली पीढ़ी, जो आपकी पीढ़ी है, देश को और आगे ले जाएगी। और जैसे कि किसी ने कहा है, आई थिंक इट वॉज जॉन कैनेडी, हू सेड थिंक नॉट, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू और आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये चीज़ को जरूर याद रखिएगा। और मैं और ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की की तरफ अग्रसर रहे। मेरे साथ सब खड़े होकर एक दफ़ा 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका उत्साहवर्धन के लिए। अब हम कार्यक्रम की समापन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम को जिन महानुभावों ने अपने अथक परिश्रम से इसे एक सफल कार्यक्रम में रूपांतरित किया, उनके कृतज्ञता व्यक्त किए आज का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। अतः आज के मुख्य अतिथि श्री समीर भाई सोमैया महोदय एवं उनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज का कार्य संपन्न हुआ, इसके लिए आपको हम समस्त विश्वविद्यालय परिवार के शुद्ध अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं। दी सुमैया स्कूल
आपके संगीत वाद्य यंत्रों के विशेषज्ञ के समूह ने हम सबका उत्साह वर्धन किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रकट करते हैं। दी केजे सोमया पॉलिटेक्निक, आपके मंच संचालन समर्थन के लिए हम सभी आपका कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सोमया विश्वविद्यालय विद्या विहार एवं सोमया ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी महाविद्यालयों विद्यालयों के सभी मुख्याध्यापक एवं मुख्य अध्यापिका, शिक्षक एवं शिक्षिका एवं अन्य कर्मचारी गण, आप सभी के अथक प्रयास के बिना आज का कार्यक्रम हो पाना बिल्कुल संभव नहीं था। आखिर में विश्वविद्यालय के सुरक्षा में लगे सभी अधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारी, आप सभी का आभार। आप सबको एक बार फिर से वंदन विनंदन धन्यवाद और जय हिंद। अब यहाँ पर उपस्थित आप सभी दर्शकगण, अतिथिगण, विदुषियों, प्राध्यापकों से अनुरोध है कि आपके लिए सोमया विश्वविद्यालय विद्या विहार द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई है, अतः आप सभी जलपान के लिए प्रस्थान करें। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद। मैं जलपान की जो व्यवस्था है वो केजे सोमया इंस्टीट्यूट के तरफ से की गई है और उनके सभी सारी व्यवस्था जो आयोजक संस्थान थी इस वर्ष की वो केजे सोमया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थी। मैं महोदय आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर पाया, तो आप सभी से अनुरोध है कि केजे सोमया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रति हम सभी आभार प्रकट करें।
पान घट पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए लसन लो कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा जीनू सट इश्क दी लगे ऐसा ही मेरे आ जुगनी मेरे आ जुगनी कहती है ओ नाम साई पै लेंदी है बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चूरन की है पुड़िया भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा कहा जाता है वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा
Yeah.
क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं।